सभी कहीं ना कहीं इस समाज को सुखी संपन्न बनाने के लिए, सभी को दिल में खुशी लाने के लिए मिला। इतने प्यार से मुझे गले नहीं लगाते। आज जो लाखों लाख युवा हमारे लिए सब कुछ समर्पण करके इस आंदोलन में लग चुके हैं, वो कभी नहीं लगते। इसलिए हम सभी जनता से आग्रह करते हैं कि हम सभी एक समृद्ध समाज को बनाने के लिए, सभी को अधिकार संपन्न बनाने के लिए लगे हैं, उस अभियान में साथ दीजिए। वो रास्ता अलग हो सकता है, आपका रास्ता भी थोड़ा अलग हो सकता है, अलग अलग बातें हैं, ये ठीक है, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं इस समाज को सुखी संपन्न बनाने के लिए, सभी को दिल में खुशी लाने के लिए ही लगे। अंततः पार्टियां भी जो खुली उसी के लिए खुली है, पार्टियां खोली है कोई दूसरा चीज के लिए, चंद्रमा में जाने के लिए ऐसी बात नहीं। कोई राजनीतिक अभियान भी है उसी के लिए कि हमारे समाज में जो अधिकार विपन्न लोग हैं, आज भूमिहीन लोग हैं। मुस्लिम समुदाय में आपको 40% मुस्लिम समुदाय भूमिहीन है, 40% गरीबी की रेखा के नीचे है। दलित समुदाय में 45% दलित भूमिहीन है। आदिवासी समुदाय, थारू समुदाय का देखिए, कमैया कमलरी को अभी तक जमीन भी प्राप्त नहीं होता है, भूमि पुत्र होते हुए भी। तो हम सब चाहते हैं कि सभी के पास वो अधिकार मिले, सभी अधिकार संपन्न हो, सभी के पास खुशहाली रहे, यही हमारा मिशन है। समृद्ध समाज का निर्माण करना ही अंततः किसी भी राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति का ध्येय होता है, और उसी में साथ देने के लिए हम पुनः सभी से आग्रह करते हुए आज का मैं छोटा मंत्र यही अंत करना चाहता हूँ। और इस कड़ी धूप में आप पुनः धैर्यता पूर्वक यहाँ पर ठहरे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और एक बात मैं थोड़ा भूल गया, और शहीद राम मनोहर जी के लिए जो भी सहयोग हम सब अभी तक कर पाए हैं वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम सब चाहते हैं शहीद राम मनोहर जी के लिए एक कोई स्मारक इस गांव में बने, ऐतिहासिक गांव है, ये पूरा गांव पवित्र हो गया उनकी बलिदानी से। इनका इस गांव का जो मिट्टी है वो अपने आप में पवित्र हो गया है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, दिखाता हूँ, दिलाता हूँ विश्वास कि देखिएगा यहाँ पर लोग यहाँ के मिट्टी अपने हाथ में अपने झोला में लेके गिन जाएंगे, उनके स्मारक के तले से लोग मिट्टी लेकर चंदन लगाएंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, उनके स्मारक बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम सब पहल कर रहे हैं, और इसमें पूरे ग्राम समाज का, पूरे जिला का सहयोग रहेगा, या मेरे मुझे पूरा विश्वास और भरोसा। धन्यवाद। मैं आपसे परिवार किया, ये कैसा अत्याचार किया, अब सारी सत्ता हिलाएंगे, उस शेर को न्याय दिलाएंगे, उस शेर को न्याय दिलाएंगे। से रुपया उन्हें हौसला प्रदान करने के लिए ताली बजाई जाए, तालियों के साथ नृत्य का लुत्फ लिया जाए।
ग्रैंड स्टेज पे क्या करेंगे सर, जोड़ दिन्छु। अनि हामीले चाहिँ निर्वाचनको क्रममा पछिल्लो निर्वाचन क्रममा घर घर जाँदाखेरि जनताले नै हामीले चाहिँ तपाईँको पार्टी कुन हो त, तपाईँको निर्वाचन कुन हो त भनेर पहिला पार्टी गठन गरेर आउनुहोस्, निर्वाचन चिन्ह लिएर आउनुहोस्, अनि मात्रै हामी जनमत दिन्छौँ भनेर भनेको हुनाले हामीले चाहिँ यो पार्टी गठन गर्न बाध्य भएका हौँ। र अब चाहिँ यो पार्टी मार्फत नै हामी जनमत सङ्कलन गरेर जनताको माग चाहिँ यहीबाट पुरा गराउने भनेर पूर्ण विश्वास छौँ। र जनताको एकदम जनमतको लहर हरेक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आइरहेको हामीले देखेकै छौँ। त्यहाँ सप्तरीदेखि लिएर अस्ति चाहिँ मिर्चियामा देखियो, आज चाहिँ बाँकी जिल्लामा पनि त्यस्तै जनमत लहर एकदम उत्साहप्रद रूपमा देखिएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ जनताको माग पुरा हुने र त्यो पनि जनमत पार्टीकै माध्यमबाट हुने भन्ने कुरामा एकदम ढुक्कसँग विश्वास दिन्छु। धन्यवाद। दरवाजा बन्द गर, कुरा बन्द गर।